ठीक है, और एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं, और एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी की 90 डिग्री है, गिवन है हमें। अतः ये त्रिभुज है ए डी बी, सर्वांश होगा त्रिभुज ए डी सी के एस ए एस ए नियम द्वारा, क्योंकि इसके दो एंगल हैं और एक साइड है इसलिए। तो बी डी बराबर होगा सी डी बाय सी पी सी टी द्वारा। अब 15वें पर करते हैं। दी गई आकृति में दोनों त्रिभुज सर्वांश समता के किस नियमों को संतुष्ट करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो साइड हैं और एक एंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड सर्वांश समता का। ठीक है, अब 16वां। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर है 110 और पी क्यू बराबर है पी आर, तो एंगल क्यू और एंगल आर ज्ञात कीजिए। हमें ये देना है ये और ये ज्ञात करना है। तो दिया है कि एंगल पी बराबर 180 और पी क्यू बराबर है पी आर, और सिद्ध करना है क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो एंगल क्यू बराबर हो गया एंगल आर के, क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर में आप एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर इक्वल में 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। हमें पी दे रखा है 180 और हमें हम क्यू और आर, क्यू की जगह पे हम आर भी रख सकते हैं या आप क्यू रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर हम इसको क्यू को आर भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आर रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। 110 जब 180 में से माइनस होगा तो कितना आएगा 70। ठीक है, और जब 2 जब इधर साइड को 70 के इधर साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा जब, और जब काटेंगे तो कितना आएगा 35 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू क्या आएगी 35, और जब एंगल R इक्वल एंगल Q के तो इसका भी 35 डिग्री आएगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 35 डिग्री। बात है 17वें क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर है ए सी और एंगल ए डी सी इक्वल में है 125, तो एंगल ए ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दे रखा है कि ए सी डी, आप देख सकते हैं कि जो ए सी डी है ये बाह्य कोण है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण मतलब भार का कोण है, भार स्थित है। दिया है कि ए बी बराबर है ए सी और एंगल ए सी डी इक्वल में 125, तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, ये वाला कोण इक्वल होगा इस वाले कोण के, क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी डी इक्वल में 180। आप देखेंगे कि ए बी सॉरी बी सी ए और सी ए सी जो डी है, ये दो दो, दो कोण है, इनका योग कितना है 180 है। क्यों है, क्योंकि रैखिक युग्म है। ठीक है, हमें ए सी डी का मान दे रखा है 125, हम ए सी डी का मान निकालेंगे, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55, तो एंगल ए सी डी का ए सी बी का मान क्या होगा 55। और जब ए सी बी बराबर है एंगल ए बी सी के, तो ए बी सी का भी मान क्या आएगा 55 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोलते हैं, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी ए सी इक्वल में एंगल ए सी डी के, ये वाला एंगल और ये वाला एड इस वाले जो भार वाला कोण है इसके बराबर होगा, इन दोनों का एड भार वाले कोण के एड के बराबर होगा। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो इस वाले बाह्य कोण का जो योग है, जो मान दे रखा है, वो जो अंतः मतलब जो अंदर के सम्मुख कोण है उनके एड के बराबर होगा। इसलिए हमने ए बी ए बी सी प्लस में बी ए सी प्लस इक्वल में एंगल ए सी डी रखा है। ठीक है, हमें ए बी सी दे रखा है 55 और बी ए सी हमें निकालना है क्वेश्चन में, और हमें दिया भी नहीं है। अब जब 125 में से 55 जाएंगे तो कितना बचेगा 70, तो एंगल
ए सी का मान आ जाएगा 70, या आप इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए इक्वल में 55 और एंगल बी 75 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि ये वाला जो कोण है वो 55 है, ये दे रखा है 75, हमें ये नहीं पता। अब भाई ये बड़ा भी हो सकता है, सबसे बड़ा हो सकता है और सबसे छोटा भी हो सकता है, इसलिए हमें सबसे बड़ी और छोटी भुजा ज्ञात करनी। तो हम इन तीनों का मान निकाल लेंगे, इन दोनों को तो निकल रखा है, अब इसका भी निकाल लेंगे। तो इनका ऐड, जो त्रिभुज के जो कोण है इनका ऐड कितना होता है 180। तो हम 55 प्लस में 75, और जब इन दोनों का ऐड 130 को माइनस करेंगे 180 में, तो 50, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 50 छोटा है, सबसे छोटा कोण आ गया, ठीक है। तो सबसे छोटी, अब ये सबसे छोटा कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, है ना। तो ये भी छोटे कोण की छोटी भुजा, सम्मुख भुजा छोटी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। और इसका जो बड़ा कोण है ये है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। तो कौन सी हमारी छोटी और बड़ी होगी, बी सी हमारी छोटी होगी और ए सी हमारी बड़ी होगी, इसी प्रकार करना है, ठीक है। अब 19वां, दी गई आकृति में ए सी समद्विभाजित करता है एंगल सी और एंगल एंगल ए और एंगल सी को, तथा ए डी बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ज्ञात कीजिए। दिया है कि एंगल सी ए बी इक्वल में है एंगल डी ए सी के, और एंगल ए सी बी इक्वल में एंगल ए सी डी के, और ए डी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है हमें ए बी। तो आकृति इस प्रकार है, ये हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी, ए बी मतलब ये ज्ञात करना है। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में आप देखेंगे कि ए सी कॉमन है। अगर हम ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समान सम कर दे, तो इसकी जो भुजाएं और एंगल ये इस वाले कोण के, इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो ये वाली दोनों को सर्वांग सम कर देंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी, इसलिए हमें इसको सर्वांग सम करना पड़ेगा। ए सी बराबर है, ए सी कॉमन है, और एंगल बी ए सी इक्वल में एंगल डी ए सी के, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल इस वाले एंगल के, और एंगल ए सी बी और ये वाला एंगल बराबर है एंगल इसके, गिवन है ये दोनों, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी डी सी के, किस सर्वांग समता द्वारा, ए एस ए नियम द्वारा। अब ए डी बराबर होगा ए बी के बाय सी पी सी टी द्वारा, ठीक है। तो हमारा ए बी, ए डी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, और तो ए बी क्या होगा, ए बी भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि इक्वल है ये दोनों। अब आते 20 पे, ए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 80 है, तो आधार का कोण ज्ञात कीजिए। शीर्ष कोण मतलब ये 80 है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। तो दिया क्या है कि ए बी बराबर है ए सी, और एंगल ए दे रखा है 180 दे रखा है एंगल, तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, ये वाला और ये वाले, ठीक है। तो ये बराबर होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में हम एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल में 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमें ए दे रखा है 80, और हम बी और सी इनमें से आप किसी को दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो जो कोण है ये इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको बी भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, तो मैंने दो बार लिख दिया बी बी, तो 2b हो गया, और 80, जब 80 को 180 में, 180 में से माइनस करेंगे तो 100 आएगा। अब ये 2 जो इधर साइड को मल्टीप्लाई में है, ये इधर साइड को जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी,
की वैल्यू 50 है तो सी की वैल्यू भी 50 होगी क्योंकि ये दोनों बराबर